कलयुग का गुरु आठवीं कक्षा की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। छात्राओं ने इसकी लिखित शिकायत मुख्याध्यापक को दी। शिकायत के बाद स्कूल में एक जांच कमेटी बनाकर जांच कर गुरु को निलंबित कर दिया गया। छात्राओं का आरोप है कि कलयुग के गुरु ने एक दलित छात्रा की पहले तो बेरहमी से पिटाई की, फिर छात्राओं से कहा कि उसके हाथों एक अछूत की पिटाई की है, इसलिए उसके हाथ धुलवाए जाएं। यही नहीं, जब छात्राएं मुश्किल दिनों में जब अवकाश मांगती थी तो कलयुगी गुरु छात्राओं पर यह बताने पर जोर डालते थे कि उसे बताया जाए कि उन्हें छुट्टी क्यों चाहिए। तस्वीरों में आप जिस स्कूल को देख रहे हैं, ये पालावास गांव का राजकीय कन्या मिडिल स्कूल है, जहां कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक 87 छात्राएं शिक्षा ग्रहण करती हैं। इसी स्कूल में बच्चों को संस्कृतिक करने के लिए संस्कृत पढ़ाने वाले बस्ती राम शास्त्री पर 8वीं कक्षा की 28 छात्राओं ने वो संगीन आरोप लगाए हैं जो सरकार की कुंभकर्णी नींद तोड़ने के लिए काफी हैं। प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री आए दिन सरकारी स्कूलों को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये इन छात्राओं के आरोपों से पता चल जाता है। छात्राओं का आरोप है कि संस्कृत पढ़ाने वाले अध्यापक बस्ती राम न केवल अश्लील हरकतें करते थे बल्कि साथ साथ वे जाति को लेकर भेदभाव भी करते थे। अभद्र व्यवहार करते थे। हाँ सर, वैसे सब नजर से भी खराब था सर, पीछे से पकड़ के साइड में फेंकता भी था। और सर 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 कोई लड़की छुट्टी सर जब हम छुट्टी मांगने जाते थे, जब ऐसे बोला हम कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी ना, जब सर ऐसे बोले क्या नाम है, क्या प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम ही बताओ, क्या जब भी छुट्टी मिलेगी वरना छुट्टी नहीं मिलेगी। और फिर ऐसे बोले क्या नाम, फिर मुस्कान से ऐसे बोले कि तुम्हारी और मेरी रेखा पति सेम मिलती है। बच्चे से बोला? हाँ। अच्छा। और और जो मतलब किस किस और किस मतलब कोई से शब्द आ जाता है जब उल्टा ही मतलब लेकर जाते हैं, उल्टा मतलब निकालता था। फिर आप लोगों ने इसकी शिकायत किसको की? सुनीता मैम से। सुनीता मैम ने फिर प्रिंसिपल को बताया? हाँ। फिर प्रिंसिपल ऐसे बोले अपनी शिकायत हमें लिखित में दी। फिर लिखित में दी आप लोगों ने? हाँ। कितने बच्चों ने लिखित में शिकायत दी? साइन कर दी। आठवीं क्लास को पढ़ाता था वो? आठवीं क्लास का इंचार्ज था। अच्छा, कितने साल का था वो? 51 साल के बूढ़ा ही था वो तो लगभग। अच्छा, तो कितने दिनों से आप लोगों को पढ़ा रहा था? सितंबर में आया था। आते ही इस तरह की छेड़छाड़ करने लग गए? नहीं सर, फिर बाद में करने लगे। बाद में करने लगे। टच करते थे बच्चियों को? हाँ सर, कंधे के ऊपर हाथ धरते भी चलते थे। एक बार एक लड़की को उन्होंने पीटा था और दूसरी लड़की को बुला के ऐसे बोला कि है ना मेरे हाथ धुलवा दो, पता नहीं कैसे है सर, भेदभाव भी बहुत ज्यादा करते। वो भेदभाव करते थे? तो लड़की जो पीटी थी वो किस कास्ट की थी? सर धानक थी। सर धानक थी, हरिजन थी। और वो जो है कहते कि हाथ धुला दो। हाँ। मेरे पवित्र अपवित्र हो गए। सर गंदी वर्डिंग यूज करते थे। हाँ। लड़कियों को यहाँ वहाँ टच करते थे। हाँ। और जैसे लेसन पढ़ाते थे ना, शब्द कुछ और होता था और अर्थ कुछ और निकालते थे। अच्छा। और ऐसी नजर से देखते थे और लड़कियों को कमरे में बुलाते थे। और हम जब सर से कहा ना कि सर यूं लड़कियों के कंधे पर हाथ रखकर मत चला, सर यूं कहते कि मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। क्या मैं ऐसा भी नहीं कर सकता? सर ने कहा। अच्छा। और सर हमारे घर पर लोगों को भेजते प्रेशर डालने के लिए। क्या? कि इस बात को यही दाब दो, बदनामी हो जाएगी। अच्छा। तो हमने मैम से बताया, मैम ने सर को बताया, प्रिंसिपल सर को, प्रिंसिपल सर यूं बोले कि लिखित में अपनी कंप्लेन दो, हमने दे दी और साइन कर दिए। फिर उसके बाद चेकिंग के लिए पुलिस आई थी, उन्होंने हमारा बयान लिया, फिर हमने साइन किए, फिर वो चले गए। लेकिन परिजनों के गुस्से के आगे अध्यापक को निलंबित तो कर दिया गया, लेकिन पुलिस को सूचित नहीं किया। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने बात को हल्के में लेते हुए कहा कि पुलिस में शिकायत करना मेरे नहीं बल्कि मुख्य अध्यापक का काम है। मुख्य अध्यापक तो स्कूल में मीडिया के पहुंचने के बाद स्कूल से ही 9:00-11:00 हो गए। ऐसी घटनाएं को रोकने के लिए स्कूल में कमेटी भी गठित की जाती है। वहीं पुलिस भी लगातार स्कूलों में जा जाकर छात्राओं को जागरूक करती रहती है। लेकिन लगभग 2 माह से छात्राएं ये सब सह रही थी, लेकिन स्कूल के मुखिया और कमेटी तक तो इसकी भनक नहीं लगी।
अब देखना तो यह है कि स्कूल की छात्राओं ने इतनी हिम्मत जुटाई, लेकिन ऐसे और भी स्कूल हो सकते हैं जहां कलयुगी गुरु अपने ही छात्राओं पर गिद्ध की दृष्टि गड़ाते हैं। क्या सरकार उनकी पहचान कर दंडित करेगी, यह तो समय ही बताएगा। बीडब्ल्यू मुकेश ने बताया कि क्लास स्कूल में ऐसे कोई हरकत हुई है जी, तो मैं उसी टाइम विद्यालय में जी मुकेश जी भी वहीं फोन मिल गए जी। हमने वहाँ प्रिंसिपल थे उनके पास, प्रिंसिपल स्कूल है वो अपना पाल आवास जी, वहाँ से प्रिंसिपल साहब को बुला लिया, वहाँ से एक लेडी लेक्चरर को बुलाया जी, पीजीटी संजयलता, और मैं उनको कहा भी आप क्लासेज में जाके पूछो जी। प्रिंसिपल साहब ने पूछा, मैडम पीजीटी जो होती उसने भी पूछा बच्चों से, तो बच्चों ने बताया कि हाँ वास्तव में थोड़ी ये हरकत हमारे साथ करता जी। मैंने फिर उसको उसी टाइम इंक्वायरी करा के बीडब्ल्यू मुकेश से, प्रिंसिपल साहब से, और उसी टाइम उसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कर दिया, मामला आपके संज्ञान में आया था, आपने पुलिस केस क्यों नहीं किया इस पर? पुलिस केस मेरा तो इतना ही बनता, हम तो अपने जो डिपार्टमेंट कार्रवाई वो करते हैं, पुलिस केस करना काम है हेड का जी, जो वहां का जो मुख्य वो करे। हेड ने, हेड तो आपके नीचे होगा। मेरा काम था वो सस्पेंड करने का था, मैंने कर लिया। कौन था ये टीचर, कि क्या पढ़ाता था ये? संस्कृत टीचर था, नाम बस्तीराम। नहीं सर, एक और चीज है ना, ऐसा पहले ऐसा कुछ नहीं होता, हमने अपना जो काम था वो कर दिया, मेरा जो राइट था मैं उसको सस्पेंड। आगे से बच्चियों को इस तरह के कदम, इस तरह का सामना ना करना पड़े, तो इसके लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे? हम तो डिपार्टमेंट को लिख सकते हैं, डिपार्टमेंटल जो कार्रवाई मेरी बनती है वो हमने कर दी, वो ही करते करेंगे। स्कूल में कमेटी बनी हुई, कमेटी ये अपना बच्चों के साथ कोई इस तरह हरकत ना हो वो कमेटी बना रही। स्कूल में भी कमेटी बनी हुई होगी? अभी तो वो कमेटी इतने दिनों से क्या कर रही थी, एक महीने से दो महीने से बच्चियों लगातार इस तरह की प्रताड़ित हो रही थी। ऐसा है गौड़ साहब, जैसे पता लगा हम तुरंत चले गए और उसको जाके सस्पेंड कर दिया। ठीक है सर।